नमस्कार, खबर जरा हटके में आज आपको बताते हैं जापान के इंजीनियरों के एक अनोखे रोबोट के बारे में। जी हाँ, जापान के इंजीनियरों ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो एक मिनट के अंदर स्पोर्ट्स कार में बदल जाता है और फिर इतनी ही जल्दी ये स्पोर्ट्स कार से रोबोट में बदल जाता है। क्या एक कार एक मिनट में रोबोट बन सकती है या फिर कोई रोबोट एक मिनट में कार बन सकता है? ये बातें आपको किसी फिल्मी कहानी की याद जरूर दिला सकती हैं। यह भी संभव है कि आपने कभी ना कभी हॉलीवुड की किसी फिल्म में इस तरह के सीन जरूर देखे होंगे, लेकिन जापान के इंजीनियर्स ने इन फिल्मी तस्वीरों को हकीकत में बदल दिया है। इस रोबोट कार की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह दो सीटों वाली कार है जिसमें लोग बैठ भी सकते हैं। यह रोबोटिक साइंस के इतिहास में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसे ब्रेव रोबोटिक्स नाम की कंपनी ने बनाया है। इस कंपनी के सीईओ ने एनिमेटेड फिल्म ट्रांसफॉर्मर से प्रभावित होकर इस रोबोट कार को डिजाइन किया था।